फाजिल्का के गांव सलामेवाला का नौजवान सुखचैन सिंह, जो कि भारतीय सेना में अरुणाचल प्रदेश में तैनात था, बीते दिनों बर्मा के बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करते वक्त आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में सुखचैन को गोली लग गई और वह शहीद हो गया। जैसे ही इस खबर का पता पंजाब में उसके घर सलामेवाला में चला तो पूरे गाँव में शोक की लहर दौड़ गई। वही शहीद सुखचैन के दो बच्चे हैं। आज शहीद सुखचैन के पार्थिव शरीर को उसके पैतृक गांव सलामेवाला में लाया गया, जहां पर हजारों की तादाद में लोगों के हजूम ने शहीद को अंतिम विदाई दी और इंकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय घोष के नारे लगाए। वहीं शहीद को अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर पुलिस प्रशासन अधिकारियों में फाजिल्का के SDM व फौज के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं शहीद सुखचैन सिंह को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। वैसे तो साढ़े जिला फाजिल्का दे विच आसफ वाला विखे शहीदां दी यादगार बनी हुई हैगी है। फिर भी अपने जिस तरह इन्होंने हुण पिंड वालिआं ने अनाउंस किया कि इन्हां दी एक यादगार बनाई जाएगी, प्रशासन वालों जिला प्रशासन वालों जो भी होगी वो पूरी सहायता की डिमांड आई है पिंड वालिआं वालों। पिंड वालिआं वालों जो कोई डिमांड नहीं आई, डिमांड आऊगी ਉਹਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰ। ਕਰਮਠ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੈਨਿਕ ਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾ ਦੇਹਾਂਤ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਕੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਹੁਆ। ਹਮੇਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਰ ਸੈਨਿਕ ਹਮਾਰੇ ਬੀਚ ਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਹਮਾਰੀ ਫੌਜ इस बलिदान को कभी खाली नहीं जाने देगी और हमेशा इसकी याद हमारे दिल में रहेगी। और इसी को याद करते हुए आज हम सब ने 67 ब्रिगेड और पूरी फौज की तरफ से उसको श्रद्धांजलि देते हैं। हम ये बताना चाहेंगे कि पूरी फौज, इनके परिवार और इनके माता पिता और इनकी धर्मपत्नी और बच्चों का पूरा ख्याल रखेगी। धन्यवाद। जागृति लाइव के लिए फाजिल्का से अरविंदर तनेजा की रिपोर्ट।